वो बेहतर बताएंगे कि कल कल है, 10 दिन कल होते हैं, अगले इतवार, और उसके बाद फिर तैयारी, सर नमस्ते। बिना मानदेय के कैसे मनेगा रक्षाबंधन? आज हरियाली तीज मन चुकी है, कल नाग पंचमी है, पूरा ये 15 दिन त्योहारों का पर्व है, बच्चे भी जिद करते हैं, खुद भी इच्छाएं होती हैं, भाइयों को राखी भेजी जानी है, मेहंदी की रस्में भी होती हैं, कैसे महिलाएं सरवाइव करेंगी? नमस्ते सर, नमस्ते। आप सभी को, भैया आपको भी नमस्ते। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ, अभी तक हमारा मानदेय नहीं आया है। आज भी हरियाली तीज थी, अब बच्चों के लिए इतना भी नहीं कर सकी कि मैं अपने बच्चों के लिए पकवान बना के खिला सकूँ। आप बताइए, जून का, मई का, 5 मई से अभी तक जून का आया था 5,000, 5,000 में क्या हो जाएगा? जुलाई का आया नहीं, अगस्त पूरा अकेला परिवार चलाना होता है मुझे ही। अब आप बता दो मैं कैसे करूँ अपने बच्चों के लिए? क्या बात सरकार को आपकी, दिखाई नहीं देता? इतना कम पैसा देते हुए भी वो पैसा भी नहीं निकल पा रहा है हमारे लिए। वैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, कैसा साथ है और कैसा विकास है? इतना तो हर कोई कर देता है, 333 रुपए पर डे दे रहे हो, उसमें भी तुम इतनी इतने लंबे खींच देते हो कि कहाँ से किया जाए। आज मेरे घर में हरियाली तीज नहीं बन पाई है। बच्चों ने कहा है मम्मी उसके यहाँ बन रहा है, उसके यहाँ बन रहा है, मैं लेकिन मेरे यहाँ रोटी और सब्जी बनी हुई है। आज भी मुझे इतना दुख होता है अपने बच्चों को देख के, बहुत ही ज्यादा। स्कूल में भी आज तो नहीं कल टीचर आई थी, सब अच्छी अच्छी साड़ियां पहन के आई थी, सब कुछ था, मैं ऐसे ही पहन के गई तो बोली दीदी आप भी तो टीचर हो, आप क्यों नहीं पहन के आती हो अच्छी अच्छी साड़ियाँ? त्योहार पे आप भी तो ऐसे ही पहन के आया करो। सर पता नहीं अब तो इतना दिमाग खराब हो जाता है बहुत ही ज्यादा। क्या हम लोगों ने पढ़ा नहीं है? हमारा पढ़ा भी है, बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, अब भी पढ़ रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन कोई इस पर रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है निकल के। अब 10 दिन बाद में राखी है, राखी का त्योहार हम कैसे मनाएंगे? हमारे यहाँ भी घर पे भी बहन बेटी आएंगी, कहाँ से उनको देंगे, कहाँ से क्या करेंगे? अब उनको तो नहीं पता है कि हमारे घर की हालत क्या है क्या नहीं है, अब उन्हें घर वालों को कैसे बताएं? सरकार क्यों नहीं सुन रही है हमारी बिल्कुल भी? सर मैंने भी सीटेट पास किया, टेट भी पास किया है, वो कहते हैं अयोग्य, कहाँ से अयोग्य हैं? इससे ज्यादा तो सर नहीं हो पा रहा है। अब साथ के जो बच्चे हैं उनके साथ हम कैसे कंपटीशन कर लें? योगी जी मोदी जी कहते हैं को क्वालिफाइड करो, सुपर टेट को क्वालिफाइड करो, उसको करो, कैसे कर लेंगे? हमारी एज कहाँ है और छोटे बच्चों की एज कहाँ है? वो रेगुलर पढ़ रहा है, हमारी पढ़ाई को छोड़े हुए 22 साल हो गए आज, मेरी पढ़ाई को छोड़े हुए 22 साल हो गए। इतना सर नहीं हो पा रहा है, हम तो सरकार से हाथ जोड़ रहे हैं, सरकार कह देती है कि आप अखिलेश के हो, अखिलेश के कहाँ से रहे हम? जब हम वोट आपको दे रहे हैं तो आपके हैं ना, हम तो राजा के ही रहती है प्रजा, कोई भी राजा हो जाए राजा प्रजा उसी की हो जाती है, उसी राजा की। लेकिन फिर भी बीजेपी सुनी नहीं रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चे हमारे भी हैं सर, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमारे बारे में सरकार सुने, लेकिन कोई जवाब ही नहीं होता है। पढ़ाई में सबसे ज्यादा काम कराते हैं, पूरा पूरी क्लास पढ़ाते हैं हम। इस पे विचार पीड़ा सर है, करना और चाहिए। आप जो कह रही हैं वो सब अंतर मन की पीड़ा है, और अंतर मन की पीड़ा होती है तो आदमी फिर समझ नहीं पाता है कि हम कहाँ से शुरू करें। जिस प्रकार शरीर में कहीं घाव हो जाता है, और उसमें जब बात नहीं है, बहुत महिला होंगी मेरे जैसे जो अकेले घर को चला रही होंगी, क्या 10,000 में घर चल जाएगा? कुछ नहीं हो पाता है। अब 5,000 आ रहा है मेरी, मैं बीमार हो गई, 5,000 उसमें चले गए। स्कूल से आती हूँ, 1 घंटा रेस्ट करती हूँ, फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, उससे अपना घर थोड़ा बहुत चला लेती हूँ। महीने में 500-600 रुपए आ गए, उसी से सब्जी आ जाती है मेरी। आज मेरे घर में इतना तेल नहीं है कि मैं अपने बच्चों को पूरी सेक के खिला सकूँ। सर बच्चों की हालत देख के रोना आता है हमें। बिल्कुल मत रोइए, थोड़ी सी हिम्मत और हौसला रखिए, मैं समझ रहा हूँ, भावुक मत होइए, पूरा त्योहार। कोई सीमा होती है, हर चीज की सीमा होती है, लेकिन सरकार को आज 7 साल होने को आ रहे हैं, फिर भी कोई कोई नहीं सुनने वाला है, कोई भी नहीं सुन रहा है। कोई कह देता है ये हो रहा है, कमेटी आप ही बताइए, कमेटी कब की गठित हुई? आज तक कमेटी गठित नहीं हो पाई है क्या? उसका कोई
रेस्पॉन्स नहीं, आज तक नहीं निकल पाया है, क्यों नहीं निकल पा रहा है वो? इतना तो हर कोई जानता है कि मजदूर भी इतना पैसा नहीं कम ले रहा है, मजदूर भी 500 रुपए से ऊपर ही ऊपर ले रहा है और यहाँ 333 रुपए दे रहे हैं ये। सर इतनी हालत खराब तो किसी को नहीं है। चिंता मत करो बहन, आप इस संघर्ष के दौर में परेशानी का इस वक्त आपके आंसू वो देखें ना देखें, लेकिन मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ। मैं किसी भी व्यक्ति के आंसू नहीं देख पाता। मेरे लायक कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए, मैं अभी आपकी मदद कराता हूँ, करता हूँ। कम से कम बच्चों को तो पूरी खिला दो। और माँ, जब बच्चे पूरी नहीं खा सकते हैं त्योहार के दिन, तो माँ जितनी परेशान हो। मैं अपनी पीड़ा को देख सकती हूँ, और भी माताएं अपनी पीड़ा को झेल सकती हैं, लेकिन बच्चे की पीड़ा को माँ नहीं देख सकती है। आज मुझे पूरा दिन हो गया है माँ पैसे के, अगर पैसा होता तो मैं अपने बच्चों को खिलाती, कुछ मंगाती भी बच्चों के लिए। अब बिन पैसे के कहां से तो क्या मंगा दूं, क्या बना के खिला दूं बच्चों को? क्या सरकार को दिखाई नहीं देता कि परिवार में कितना खर्च होता है, कितना क्या होता है? लेकिन परिवार सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? पहली बात तो राजा के पास संतान नहीं, अगर जो संतान होती तो उनको दुख दर्द होता, उनके संतान नहीं है इसलिए उनको दुख दर्द नहीं है। ये पहले राजा ऐसे हैं, संत भी हैं और ये कठोर भी हैं। आज तक मैंने किसी संत को इतना कठोर दिल वाला नहीं देखा है, कितना कठोर दिल का होगा वो। उन्हें कहने संत कहने में भी अब तो शर्म आने लगी है कि ये संत है नहीं। राजा को इतना कठोर हृदय सर नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप हौसला रखिए, सब बदलता है, लेकिन बदलने में जब 7 वर्ष हो गए और कोई नहीं सुन रहा है तो विश्वास कहां तक जमेगा? मैं तो बस आज अपने सभी दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस बहन का मैं वीडियो अभी आपको 9:30 बजे तक दे दूंगा, 10 बजे तक। इस वीडियो को आज इतना आप शेयर कर दीजिए, लगे केंद्र से और राज्य सरकार तक। हमारे साथ अभी 700 लोग जुड़े हुए हैं दर्शक, 650, और जितने भी लोग हैं प्रत्येक के व्हाट्सएप ग्रुप से दूसरे को जाना चाहिए। मैं ये वीडियो आपको दे दूंगा 10:30 बजे तक बना के, हर हाल में। इस बहन के आंसू तब तक नहीं, ये वीडियो रुकना चाहिए जब तक इन आंसुओं का लिए कोई बात न समझ में आए। मैं आप के लिए देखता हूँ कुछ, मेरा नंबर उदय सिंह से लीजिए, मुझे आप अपना पेटीएम नंबर या कुछ भी हो भेजिए। पहले बच्चों के लिए पूरी की व्यवस्था कीजिए, सबसे पहले बच्चों के लिए पूरी की व्यवस्था मैं करता हूँ। मैं बहुत बड़ा, मैं तो खुद अपने लिए सहयोग मांग रहा हूँ, लेकिन मैं मदद करूंगा। बच्चों को पूरी खिलाइए, मुझ पे ये आंसू नहीं देख सकता, मैं एक मानव हूँ जी। मैं सर सरकार के लिए काम कर रही हूँ तो मुझे सरकार से चाहिए, आप मेरी मदद कब तक करोगे? मेरी जैसी सर लाखों बहन है, हजारों बहन है, आप मेरी पीड़ा को सुन रहे हो, मेरा सहयोग कर दोगे? लेकिन मेरी जैसी हजारों बहन है, लाखों बहन है, उनके बच्चे भी इस तरह से होंगे, मुझे पता है। जब मेरे पे बीत रही है तो और भी साथी बहन मेरी ऐसी ही होंगी। अंदर सके दो मेरे अंदर सके हैं जो लेडीज हैं, एक जेंट्स है भैया है जो, उनके यहाँ भी यही हालत है। सर आप बताओ कि बच्चों के लिए नहीं है तो हम क्या करें, कैसे करें? पढ़ाने में भी मन नहीं लगता है कभी कभी तो। मैं समझ रहा हूँ, पहले आप पानी पीजिए, थोड़ा सा हिम्मत जी। पूरा टाइम देते हैं हम बच्चों को अपना पढ़ाने में, और सरकार कहती है कि आप शिक्षकों के बराबर काम नहीं करते हो। क्या काम नहीं करते हैं? आके वो देखें तो सही कि हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उनको पता है कि हम काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ये भी पता है उनको कि हाँ शिक्षा मित्र अंधे तक अपना बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है सर? सर आज मुझे इतना दुख हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। रोटी बनाई सर, इतना कठोर राजा है। कहते हैं ना कि अंग्रेजों के जमाने में बहुत कठोर थे, लेकिन ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा कठोर बन रहे हैं इस टाइम पे। क्या इनको मौतें दिखाई नहीं दे रही है? अभी 18 तारीख को भी 2 खत्म हो गए थे, आपको भी पता है 3 डेड बॉडियां उठी हैं। क्या इनको दिखाई नहीं दे रहा है? पैसा होता तो वो लोग दिखाते अपना इलाज कराते अपना। अब वो अपने बच्चों को त्योहार पे छोड़ के चले गए, उनके घर में क्या चल रहा होगा? पैसा है नहीं है घर में। सर इतना कठोर नहीं बनना चाहिए इस राजा को,
और दोनों सरकारें एक ही इंजन के डबल इंजन से है, ये बीजेपी की हमारे राज्य में है, बीजेपी की ही केंद्र में है। मोदी जी कहते हैं सबका विकास सबका विकास, 0.7 नहीं दे रहे हैं वो हमारा। 1 पॉइंट तो बहुत बड़ी बात होती है, 0.7 नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? हमने क्या बिगाड़ा ऐसा उनका? क्या उन्हें वोट नहीं दिए? ये कहते हैं ना कि राजा वोट के लालची होते हैं, हमने वोट भी उन्हीं को दी थी। सर मैं आज आपको सही बता रही हूँ कि मुझे सुबह से मेरा दिमाग इतना खराब है, बहुत ही ज्यादा। मैंने अब सिलाई किया एक तो सूट सिले, वो भी पैसे नहीं दे के गई। मैंने हाल हाल तक सिलाई की, मैंने पैसे आ जाएंगे, मैं अपने बच्चों को कुछ बना के खिला दूंगी, लेकिन वो पैसे नहीं दे गई। अब सर मैं सच बता रही हूँ आपको कि मैं बहुत दुखी हूँ आज सुबह से लेके अब तक। मत रोइए, कोई आंसू देखने वाला नहीं है, मत रोइए मत रोइए। मैं पूरी और इनके लिए व्यवस्था, मुझे आप नंबर दीजिए, मैं पूरी पूरी बच्चों को खिलाइए बना के, अभी टाइम है। मैं नहीं, मैं रोइए मत, सहायता करने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्या हमसे काम नहीं लिया जा रहा? हम बिन मेहनत के पैसे मांग रहे हैं, अपनी मेहनत के मांग रहे हैं पैसे। जहां तो माल एक चीकर को एक दिन का 3,000 रुपए दे रहे हो, 2,000 रुपए दे रहे हो, क्या हमारे लिए तुम 500-800 रुपए भी नहीं दे सकते हो? उसी काम के क्या इतने पैसे नहीं दे सकते हो? क्यों नहीं दे सकते हो? आप आइए, जब आपको हमारी योग्यता पर डाउट है तो आप आके हमारे डिग्रियां देखिए कि हम कहां कहां मतलब फेल हो रहे हैं, कहां क्या हो रहा है। पहले भी हम भी जब अच्छे क्वालिफाइड थे, परसेंट अच्छी थी, तभी हमें नियुक्त किया था। हम अपनी मर्जी से तो नियुक्त नहीं हुए थे, आपने हमें नियुक्त किया। हमने सोचा धीरे धीरे हमारा पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन आज की महंगाई में मैं अपने बच्चों को सब्जी रोटी नहीं खिला पा रही हूँ। मुझे टाइम से जाना होता है, टाइम से आती हूँ, सुबह 7:45 जाती हूँ, 2:30 आती हूँ स्कूल से, आके आधा घंटा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मेहनत करूँ सर, फिर भी मैं अपने बच्चों को नहीं कर पाती हूँ। मेरी जैसी सर उतनी महिलाएं होंगी कि बहुत ही ज्यादा, मेरे पति भी मेरे साथ नहीं रहते हैं, मैं अकेला अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ लिखाती हूँ, दोनों बच्चे मेरे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। क्या मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़े, अच्छा पढ़े? मैं भी चाहती हूँ सब टीचरों के बच्चे सरकारी वो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, मेरे बच्चे सरकारी में मेरे साथ ही जा रहा है, मेरा छोटा बेटा है। और काम हमसे इतना ही दिया जा रहा है, सरकारी टीचर करता है उतना ही हम भी कर रहे हैं। अरे संविदा वाले के आदमी नहीं है क्या? उनके बच्चे नहीं है, माँ बाप नहीं है? मेरी सास भी मेरे साथ रहती हूँ, 10,000 में क्या हो रहा है मेरा, आप ही बता दो कि हाँ आप 10,000 में इतना कर सकती हो। बच्चे बड़े हो रहे हैं, बड़ा बीए में हो रहा है, बीए में जाएगा मेरा इंटर क्रॉस करके, मैं उसके लिए कहाँ से क्या करूंगी? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सुनकर बहुत मन में पीड़ा हो रही है कि जहाँ हम बात करते हैं कि हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हमारे साथ आड़ीन सुरेंद्र सर जुड़ चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये 5वीं सुरेंद्र सर अर्थव्यवस्था रो रही है आपके सामने, ये देश की 5वीं अर्थव्यवस्था रो रही है और उस देश की जनता रो रही है जहां महिला सशक्तिकरण की बात होती हो, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता हो, वहां एक महिला आज इसलिए रो रही है कि वो अपने बच्चे को हरियाली तीज के दिन पूड़ी नहीं खिला सकी। सुबह भी बच्चों को रोटी खिलाई, शाम को भी रोटी खिलाई। मैंने उधर से आज कहा था कि आज त्योहार है, अगर कोई महिला शिक्षा मित्र, मैंने अब मैं अपने को धिक्कार कर रहा हूँ कि मैंने बड़ा गलत समय किसी एक ऐसी पीड़िता को जोड़ लिया जिसके मन में बहुत मतलब दुख भरा हुआ था। और दुख कितना भी आपके मन में भरा हो, जब तक आपकी कोई सुनने वाला नहीं होता है, आपके दुख वो आंसू में तब्दील नहीं होते। वो तभी तब्दील में होते हैं जब कोई आपके कंधे पर, मैं खोल रहा हूं अभी आपका माइक, वो तभी आप दोबारा कहिए, माइक बंद था, दोबारा कहिए। मैं ये कह रही कोई नहीं सुन रहा है, अगर सुनते तो आज ये हालत होती हमारी, सुनने वाला ही नहीं है कोई भी आज तक। 7 साल से हम इस तरह से भटक रहे हैं, भीख मांग रहे हैं उनसे, हाथ जोड़ रहे हैं उनके, हर तरह से उनका सम्मान किया हमारे शिक्षा मित्र भाइयों ने, बहनों ने, अन्य देशों ने,
उनका क्या बिगाड़ दिया उन्होंने जो हमारी आज तक नहीं सुन पा रहे हैं। हम इसी आस में लगे हुए हैं, कभी बिल्कुल बिल्कुल आज आपकी आपकी आवाज जरूर निश्चित पहुंचेगी। तो सुरेंद्र सर आप देख रहे हैं कि ये पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था के लोग हैं, उस जनता उस जनार्दन रो रही है सिर्फ इसलिए कि बच्चे के लिए, माँ के सामने जब बच्चा ये कहे कि आज मम्मी त्योहार है क्या पूरी नहीं।